देखिए, सबसे पहली बात राकेश, अभी फाजिल अहमद साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाकिर नायक को लेकर बड़ी कुंठा रखती है, तो भाई साहब पाकिस्तान गए, पाकिस्तान तो पूरा मुसलमान है, पूरा इस्लामिक देश है, तो वहां पर क्यों कुंठा, किस बात की कुंठा? क्योंकि वहां पर जाकर बकवास कर रहे, अपनी नालायक नहीं, हरकतों का यहाँ प्रदर्शन चर्चा कर का रहे, कोई विषय नहीं है। इसी पाकिस्तान वजह भला, से राकेश पाकिस्तान जा रहे हैं। इनके अब मुंह पे टेप भारत लगा के, दीजिए, हम क्योंकि मेरे जो अपनी बात रखनी है, कृपया मेरी बात को बीच में रोका ना जाए। जाकिर नालायक जिस तरह से वहां पर जाकर महिला विरोधी बातें कर रहे हैं, महिलाओं को, बच्चों को उन्होंने ऑब्जेक्टिव डिजायर बनाया। नहीं, आपके लिए आप 8 साल किसी को की बच्ची, गाली 9 साल दीजिए, की ये बच्ची, आपका 12 साल अपना की बच्ची संस्कार एक है। नामहरम है, आप किसी आप एक को, आप सरपरस्त, किसी, देखिए एक यही बड़ा कुंठा का, बाप के यही तौर कुंठा पर की बच्चियों को पहचान है, अवार्ड प्रेजेंट नहीं कर कुंठा सकते, की क्योंकि फाजिल आपके दिमाग फाजिल एक में बार सुन लीजिए, ऑब्जेक्टिव अंबर सिर्फ जैदी को, उसके ऑब्जेक्टिव बाद आपके डिजायर पास आ है, जाऊंगा। आपके फाजिल महिला फाजिल हितों के प्लीज तौर पर प्लीज सिर्फ प्लीज बीच में नहीं, ऑब्जेक्टिव अभी डिजायर है। अंबर जो जैदी को महिला सुन अपनी लीजिए, उसके बात बाद रखने आपको की समय दे बात कर दूंगा। रही है, अब लेकिन मेरा नाम आपका निकाल के ध्यान बोल खबर रहे हैं, पर नहीं फाजिल है, आपका प्लीज ध्यान इस बात पे है कि मुझे महिला ये ना मेकअप करना लगा पड़े कर कि सिर्फ बैठी है, अंबर की आवाज होने आपके लग जाए। अंदर हलचल नहीं होगी तो आपको डॉक्टर के पास चलाना है। भाई साहब, डॉक्टर को के पास जाने की जरूरत उस डॉक्टर को है जो पूरे समाज में आतंकवाद और इस तरह की नालायक बीमारियां फैलाता पड़ रहा मेरा है। नाम मुझे तो आपने लग रहा है पाकिस्तान में डॉक्टर जाकिर नालायक का टूर भी नहीं पूरा होगा, उनको वक्त से पहले बाहर निकाल दिया जाएगा। भाई साहब, आप तो उनके बड़े वाले चेले हैं, आपको देखकर, आपको सुनकर मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। पिछले इतने सालों से उनकी पैरोकारी कर रहे शरफुद्दीन साहब, थोड़ा सा अपने नाम की लिहाज रख लीजिए, थोड़ा सा भारत और अपनी बहनों के लिए थोड़ा सा तो लिहाज रखिए कि अपनी बहनों को इस तरह से अश्लील बातें एक जाकिर नालायक करता, और आप लोग यहाँ पर बैठकर पैरोकारी करते, और आप बात करते साईं बाबा की, आप बताइए, कितना साईं बाबा में विश्वास रखते, आप मूर्ति पूजा में विश्वास रखते, आराम है और आप कार्य करें। भाई साहब, ये जो हिपोक्रेसी की दुकान लेकर आप खोल के बैठते हैं ना, भारतीय राष्ट्रीय चैनलों पर चलने वाली नहीं है, देश देख रहा है, पूरा पाकिस्तान भी इस वक्त देख रहा है। एक बात वाहिद ये है कि जिस पर भारत के और पाकिस्तान के लोग अग्री करते हैं, वो ये कि डॉक्टर जाकिर नालायक को भारत से निकालकर बहुत अच्छा किया गया, क्योंकि इससे पहले तो पाकिस्तान को ये लग रहा था कि भाई देखो भारत ने कितना बड़ा जुल्म कर दिया, क्यों बेचारे डॉक्टर साहब पर इतना जुल्म ठीक किया गया। ठीक अब उनको फर्स्ट एड एक्सपीरियंस हो गया कि ये नहीं बंदा नहीं वो किसी तो लायक नहीं पाकिस्तान है, की महिलाएं बिल्कुल फाजिल यहां कह से रही नहीं हैं कि लग इसे रहा, भगा दो यहाँ से, ये आदमी नालायक बिल्कुल है, यहां वहां से की भी नहीं वहां लग की रहा है, महिलाएं इनको कह अभी रही हैं, टूर भी और पूरा आप नहीं यहाँ होने वाला बैठकर है। पैरवी कर रहे हैं। फाजिल अहमद, श्री राम श्री कृष्णा के रब की पूजा करिए, उसका हुक्म मानिए, कामयाब हो जाएंगे, बच जाएंगे, नहीं तो आसाराम नहीं छोड़ेंगे आप लोगों को, चिन्मयानंद नहीं छोड़ेंगे हिंदुत्व भाई साहब आतंकवादी। आप ये फिक्र करो, एक आप मिनट लोग तो इलियास शराफुद्दीन प्लीज, फाजिल से बच्चों सवाल था, के फाजिल साथ, बोलिए। छोटी मासूम बच्चियों के साथ आप रिश्ते बनाने को जायज चराते हो, आप अपनी अपनी करो। हम भारत का संविधान मानने वाले हैं, आपकी शरिया नहीं, आप अपना शरिया जाकर अफगानिस्तान में चलाइए। और जाकिर नारायक को तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान में भी शरिया पूरी तरह से नहीं है, तो आप उनको मलेशिया से निकालकर अफगानिस्तान क्यों नहीं भेज देते, और आप भी चले जाइए साथ में, टिकट मैं स्पॉन्सर करूंगी, जाइए बोलिए यहाँ से, फाजिल अहमद, बोलिए, भारत में नहीं चलेगी आपकी अंबर की दुकान। बात का क्या जवाब है? देखिए, ये यही कुंठा है, किसी से आप कुंठा इतना नहीं गुस्से है, में हैं आपकी कि उसका नाम हिपोक्रेसी तक है, बदल कुंठा दे रहे किस हैं, बात की है? और अगर आप जिसको भारत खुश में करने के संविधान लिए को बैठी बदलना हैं, चाहते इनको भी हैं, 10 साल हो गए, आपको कुछ नहीं भारतीय मिला, संविधान से अधिकार जिसको तो खुश चाहिए, करने के इनको लिए आपको सारी भारत बातें में बोल रही रहना हैं, चाहिए, आपको इनको भी कुछ मुसलमान नहीं बनकर मिला, रहना है, आप तो आप पाकिस्तान किसी चले लायक जाइए, नहीं है, और वहां और पे भी शरिया एक की कमी आसमान लगती हो पे तो थूको अफगानिस्तान कोई, चले अगर जाइए, आसमान पे आपके थूकता लिए है पूरे दरवाजे तो उसका पूरा थूक टिकट क्यों का मुंह पे फॉर्म ही मिलता देंगे, है? ये जंग पूरा जाहिर है, खुला पर है, तो इस जाइए पर यहाँ हम से, क्या जो कह कोई रहे हैं? इज्जत हम नहीं तो आप कुछ जो नहीं चले कहेंगे, गए, अगर क्योंकि किसी इज्जत के हो दिमाग में जहर घुरा हुआ है और किसी को जहर खुश आपके करने के लिए दिमाग में है, इतना क्योंकि अपने आप इस दीन देश इस्लाम को को भी अपना भूल नहीं जाए, समझते, तो आपको लगता है कि ये उसके धरती किसी के दिवालियापन का बाप की पैसा नहीं हम है और जवाब ही हमारी नहीं है, दे सकते, धरती के और लिए हम हम है, कुछ ये कह ही नहीं जो सकते जमीन उसके जायदाद दिवालियापन भी है, से, तो ये हमारा अपने देश दीन है और इमाम हमें इस पर इस्लाम गर्व है, और नमाज जब और जरूरत अल्लाह पड़ेगी की तो हम बात अपने को देश के माने, लिए अल्लाह जान की बात न्योछावर को ना करेंगे। माने, कुरान आप को ना किसको माने, टुकड़ा समझते हैं, उनके इस पर किसी बात का कब्जा जवाब जमाने देने की के लिए बात हम, करते हैं, ये जिसका पढ़ के मानसिक राखी संतुलन हमारी खो सोच चुका में, है, उसका जवाब नहीं देने का नहीं हम कोई मुझे मतलब एक ही नहीं एक है मिनट, हमारे एक लिए, मिनट खुश फाजिल, आपके पास फाजिल, जवाब होगा भी बातें नहीं और बोल होना रही भी है, नहीं चाहिए, फाजिल क्योंकि आप फाजिल बेगर एक किसी की बात को एक करते हैं। मिनट, अलावा आप देखिए कि उसने यहां तक कह दिया है कि जो टीवी एंकर, जो महिलाएं बैठती हैं मेकअप करके, 20 मिनट में अगर तुम्हारे दिल में हलचल ना मचे तो तुम सीधा डॉक्टर के पास चले जाओ। इस पूरी दुनिया की फीमेल टीवी एंकर का कैरेक्टर एसेसिनेशन के साथ साथ उसने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया है कि क्या यहाँ भारत में जो लव जिहाद मुसलमान करते हैं इसीलिए करते हैं, क्या मस्जिदों के अंदर जो रेप होता है इसीलिए होता है, क्या मजारों के अंदर जो रेप होता है इसी वजह से होता है, क्या मदरसों के अंदर जो रेप होता है इसी वजह से होता है, क्या गरबा में जो मुसलमान घुस रहे हैं और कॉन्डम लेकर के पॉकेट में घुस रहे हैं क्या इसी वजह से एंटर कर रहे हैं? तो अच्छा, जाकिर जंग नालायक ने वो कहीं जो ना भी, कहीं उसका भारत,
भारत को चेतावनी भी दी है। और फाजिल साहब से मैं पूछना चाहती हूँ कि दिग्विजय साहब कांग्रेस के इतने बड़े नेता, वो तो जाकिर नालायक का बड़ा वाहवाही मचाते थे, बड़ा तारीफ करते थे जाकिर नालायक का। एक मिनट, फाजिल अहमद, फाजिल अहमद, फाजिल अहमद, मैं जब कह रहा हूँ नाजिया, नाजिया प्लीज, नाजिया, नाजिया एक सेकंड, नाजिया एक सेकंड, नाजिया एक सेकंड, नहीं 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 फाजिल अहमद, वो चाहे मस्जिद हो और चाहे मंदिर हो, मैं किसी भी धर्म के किसी भी जगह को जहाँ पर इबादत होती है, पूजा होती है, अगर आप उसको अपराध से जोड़ देंगे कि वहां पर अपराधी होता है, मैं इसके खिलाफ हूँ। और इसीलिए मैंने राम मंदिर को जब रेप से जोड़ा इलियास शराफुद्दीन ने, तब भी मैंने टोका। और जब नाजिया कह रही है तो मैं उसको भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात है, सोचने की जरूरत आपको है जब आप बैठकर जाकिर को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इलियास शराफुद्दीन आपके नाम में शराफुद्दीन है, लेकिन आपकी हरकतें तो बिल्कुल शरीफ जैसी नहीं है। आप बातें ऐसी कर रहे हैं जैसे सड़क छाप कोई आदमी बातें करता है। मैं सड़क छाप, आप, आपके गुरु मोदी, मोदी सड़क छाप, अमित शाह सड़क छाप, मैं आपको धर्म सिखा रहा हूँ। इस आदमी की आवाज डाउन करिए, नहीं नहीं, इस आदमी की आवाज डाउन करिए। इस आदमी को टीवी पर बहुत दिखने का शौक है, बहुत इलियास शराफुद्दीन को टीवी पर दिखने का शौक है। इसको बस विंडो में बना के रखिए, इसको बस विंडो में बना के रखिए। और मैं कह रहा हूं इसको हटा दीजिए, मुझे हटाइए इलियास शराफुद्दीन को। और इलियास शराफुद्दीन जाके सुरक्षा आदमी से बात करो, मेरे सामने बिल्कुल ऐसी बातें नहीं। अब बोलिए फाजिल क्या कह रहे हैं आप? देखिए आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं, ये चॉइस आपकी अपनी अलग हो सकती है, हमारी अलग हो सकती है। तो क्या आपकी चॉइस है? महिला को देखकर दिमाग में बुरे विचार आए, ये आपकी चॉइस है फाजिल? सबकी अपनी अपनी पसंद हो सकती है। नहीं, किसी महिला को देखकर या आप किसी टीवी चैनल पर जाएंगे जैसे आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये तो नहीं। फाजिल मुझे एक बात बताइए, फाजिल, फाजिल मुझे एक बात बताइए, अगर जहां पर मैं बैठा हूं मेरी जगह कोई महिला साथी बैठकर डिबेट कर रही होती तो? देखिए उस पर हम बात नहीं करेंगे, वो जिसको जो बात लगी वो पर्सनली कैपेसिटी पर अपनी ऑब्जेक्शन कर सकता है, लेकिन आप मेरे लिए ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, मैं आपके लिए नहीं कर सकता। पर्सनली किसी को ऑब्जेक्शन करना है वो अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकता है। अब उन्होंने क्या कहा नहीं कहा, हम तो पूरी दुनिया भारत की मीडिया के एथेंटिसिटी बहुत कमजोर है, वो क्या बात बोलते हैं उसको लोग नहीं सीरियस लेते हैं, इसलिए उन्होंने पीछे क्या कहा आगे क्या कहा उसको आपने दिखाया नहीं। अब सिर्फ एक लाइन की बात को दिखा रहे हैं। नहीं नहीं, एक मिनट नाजिया, तो जो मैंने दिखाया वो आपके हिसाब से ठीक है? नहीं नहीं, आपने गलत दिखाया ना। क्या गलत दिखाया? स्पीच दिखाइए। क्या गलत दिखाया? एक इतने बड़े लीडर हैं हमारे। नहीं नहीं फाजिल, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक मिनट फाजिल, फाजिल 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 प्लीज, फाजिल प्लीज, इस देश के अंदर, फाजिल अहमद सवाल सुनिए, जिस देश के अंदर, पहले सवाल सुनिए भाई, फाजिल अहमद पहले सवाल सुनिए, फाजिल अहमद सवाल, पहले इनकी आवाज डाउन करिए, आपकी आवाज अभी डाउन है, पहले सवाल सुनिए फिर आपकी आवाज ऑन एयर हो जाएगी। अभी आपकी आवाज फाजिल ऑन एयर नहीं जा रही है। मैं पूछ रहा हूं, अगर इस टॉपिक पर डिबेट मेरे बजाय कोई मेरी महिला साथी कर रही होती तो? देखिए अगर किसी को बुरा लगा तो प्रश्न के आप दूसरे, अरे आपको बुरा नहीं लगा, महिलाओं के प्रति ऐसी सोच? हमने हमने सुना ही नहीं कि उन्होंने क्या कहा। वाह, हमने जब सुना नहीं तो हमको क्यों बुरा लगना है? अंबर जी, आपकी बात को नहीं मानूंगा मैं, पूरी वो पैरोकारी करने बिना सुने डॉक्टर जाकिर नालायक ने कौन सी नालायक बातें की। राकेश मैं कुछ कहना चाह रही थी काफी देर से, मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, ये कहना चाहती हूँ कि कुरान शरीफ में जो आयते हैं, जो सूरे हैं, सूरे निशा, निशा का मतलब होता है औरत, औरतों की, महिलाओं की शान में सूरा, मरियम औरत के लिए सूरा, किसी गर्भिणी की शान में तो कोई कोई सूरा नहीं आया। कुरान में महिलाओं को अधिकार इज्जत दी गई है, लेकिन अपनी जिहालत फैलाते हैं। भारत को तो आप कहते हैं कि भारत विरोध कर रहा है डॉक्टर जाकिर नालायक का, सऊदी अरेबिया तो इस्लाम का एपी सेंटर है, उनको कौन सी दुश्मनी है? क्योंकि वो जाकिर नालायक अपनी नालायकी के सबूत पेश करते हैं, सबको पता है कि वो अपना